बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुबा सलीम। आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मुबा सलीम 2.0 में। इस वक्त मौजूद हूँ न्यू का कैंट बाज़ार की साइट लोकेशन पे। यहाँ पे आपको मिलेगी तकरीबन सबसे कम जो स्क्वायर फीट है वो 40 स्क्वायर फीट यानी 40 स्क्वायर फीट के आपको शॉप्स मिल जाएंगी, और जो उसकी बुकिंग प्राइस है वो भी बहुत ही मुनासिब है। अच्छा, मैं लोकेशन के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि केन अकेडमी इकरा यूनिवर्सिटी से जब आप आगे आते हैं तो शरबत चौक आता है। शरबत चौक के ये बिल्कुल बराबर में लोकेशन है, और मेन जो रोड है उस पर ये लोकेशन इस वक्त मौजूद है। GFS आपको इस वक्त जो शॉप है वो 1 लाख रुपये बुकिंग प्राइस के ऊपर दे रहा है, और उसमें जो है 5,000 रुपये पर मंथ जो है वो आपसे चार्ज कर रहा है इंस्टॉलमेंट की मद में। उसके अलावा यहाँ जो है ये ऑलरेडी इधर जो है सोसाइटी मौजूद है। ये GFS मलिक टाउन रेजिडेंसी का जो है फेज़ सिक्स है। उसके अंदर जो है इस वक्त आबादी हो चुकी है, और जो मेरे पीछे आप जगह देख रहे हैं यहाँ पे एक्चुअल में जो है एक मॉल बनने वाला है। सेंट्रल एसी में सारी चीज़ें होंगी, और फैसिलिटी के बारे में हम थोड़ा सा आपको बताएंगे, उससे पहले हम ड्रोन शॉट्स आपको दिखाते हैं। सेंट्रल एसी है सबसे बड़ी बात ये, और सबसे जो अच्छी बात ये है कि सस्ती दुकान ऑफ़र कर रहा है GFS बिल्डर। एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है, एक यूँ समझ लें कि क्या कहते हैं, एक सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर ही एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है। तो मुझे लगता है कि जो मेमन गोट के जो आने वाले दिन हैं उसमें जो हालात तब्दील हो रहे हैं, जिस तरीके से सोसाइटीज़ बन रही हैं, इधर जो कमर्शियल एक्टिविटी है उसका उरूज बहुत ज़्यादा होने वाला है। एज़ यू नो कि अलजरीद के अंदर भी कमर्शियल एक्टिविटी इस वक्त हो रही है, और उसके साथ साथ अगर ये जो मेन हब है इधर भी अगर क्या कहते हैं कमर्शियल एक्टिविटी के लिए जो सस्ती दुकानें मिलना शुरू हो जाती हैं, और 5 साल में आप इसको अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, स्क्रीन पे भी चल रहा है, रब्ता कर सकते हैं, भाई आपका हाजिर है। जो भी डिटेल्स चाहेंगे इंशाल्लाह दे देंगे। वीडियो में ऐसे ही बने रहने का शुक्रिया। मुझे दें इजाज़त, मैं हूँ मुबा सलीम, अल्लाह हाफिज़।